हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, जो कि CS301 सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले इस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम क्या है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एल्गोरिथम को क्यों डिजाइन किया जाता है और कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम का की क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब देखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो हम नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें कि एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम एक फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस का क्या होता है, सेट होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को यदि मुझे सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ प्रोसीजर को फॉलो करूँगा या कुछ स्टेप्स को फॉलो करूँगा। वो स्टेप्स मिलकर ही क्या बनाते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं। और जो एल्गोरिथम जो मैं डिजाइन करता हूँ वो एल्गोरिथम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट से मतलब होता है कि मैं पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज को फॉलो ना करके सिंपल मैं क्या करता हूँ, इन हाई लेवल की जो मेरी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, वो इंग्लिश या हिंदी जो भी है, वो वाले स्टेप्स को मैं क्या करता हूँ, उन स्टेप्स को लिख के ही मैं उस एल्गोरिथम को करता हूँ, डिजाइन करता हूँ। जैसे एल्गोरिथम की आवश्यकता क्यों पड़ी, एल्गोरिथम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे प्रोग्रामर के पास या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर डायरेक्ट उस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना स्टार्ट नहीं करता, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, एक एल्गोरिथम को क्या करता है, डिजाइन करता है। एल्गोरिथम को डिजाइन करने के बाद उस एल्गोरिथम को डिजाइन करने के बाद उसके साथ एल्गोरिथम प्लस डेटा स्ट्रक्चर दोनों चीज़ कंबाइन होके ही क्या होता है, उस प्रोग्राम या उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। तो एल्गोरिथम क्या हो गई, एक जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गई किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, क्लियर। जैसे उस एल्गोरिथम में इनपुट होगा और क्या आउटपुट होगा, ये सारे इनपुट क्या होगा, क्या आउटपुट होगा, किस तरह से आउटपुट प्रोसेस होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगी उसके जो स्टेप्स होते हैं उस प्रोग्राम के। जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, जैसे मुझे चाय बनानी है, नॉर्मल चाय बनानी है, तो चाय बनाने के भी क्या होते हैं, मेरे पास स्टेप्स होंगे भाई। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पानी एक बर्तन लूँगा, उस बर्तन में पानी को गर्म करूँगा, उसके बाद चाय डालूँगा, चीनी डालूँगा, अदरक डालूँगा, जो भी चीज़ है, उसके बाद उसको बॉयल होने दूँगा, उसके बाद दूध डालूँगा, दूध डालने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, उसको थोड़ी देर फिर बॉयल होने दूँगा, उसके बाद मैं गैस को ऑफ़ करूँगा, गैस को ऑफ़ करने के बाद उसको छानूँगा, देन चाय क्या होती है, रेडी होती है। तो ये क्या है, ये सारे क्या हैं, वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। यदि इन स्टेप्स में हम ऊपर नीचे करेंगे, यदि आगे पीछे लिखेंगे, मान लो मैं डायरेक्ट क्या बोलते हैं, चीनी डाल देता हूँ या डायरेक्ट चाय डाल देता हूँ, तो कुछ स्टेप्स ऊपर नीचे करने से मेरा प्रॉब्लम क्या क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है, नहीं है प्रॉब्लम का सोल्यूशन आए, या कुछ केसेस में आ जाएगा, कुछ केसेस में नहीं आएगा। इसलिए ही मैं बोलता हूँ कि जो भी स्टेप्स होंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड स्टेप्स होने चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एल्गोरिथम की हमें समझ में आया कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कंप्यूटर साइंस की कोई भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैं पहले क्या करूँगा, एक एल्गोरिथम डिजाइन करूँगा। वो जो एल्गोरिथम होंगे वो किस तरह, किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, स्टेप्स की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, मान लो कोई मेरे पास एल्गोरिथम है, ये मेरी कोई एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम हो गई, उस एल्गोरिथम को मैं कुछ इनपुट दूंगा और कुछ आउटपुट आएगा, तो ये क्या है, मेरी एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम किस चीज़ की है, मेरी कोई प्रॉब्लम, मान लो एक पी मेरी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए मैंने क्या किया, एक एल्गोरिथम डिजाइन की, उस एल्गोरिथम को डिजाइन करने के बाद उस एल्गोरिथम में दिया इनपुट और फिर आया क्या, आउटपुट। ये तो हो गई एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम के साथ, इस एल्गोरिथम के साथ यदि मैं डेटा स्ट्रक्चर और ऐड कर दूँ, तो डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ क्या है, मैंने क्या बताया था, डेटा को स्टोर करने के लिए, एक ऑर्गेनाइज वे में डेटा को स्टोर करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करता हूँ। जैसे एरे है, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, ग्राफ्स हैं, ये सारे क्या हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इनका यूज़ करके मैं क्या करूँगा, जो मेरी प्रॉब्लम है उसको क्या करूँगा, मैं सोल्व करूँगा। उस सोल्व करने के बाद क्या डिजाइन होगा, मेरा प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम को मैं किसी भी लैंग्वेज में डिजाइन कर सकता हूँ भाई, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पाइथन, जो भी मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें किसी में भी मैं डिजाइन कर सकता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन है इम्पोर्टेंट, कि जो मेरी एल्गोरिथम होगी
लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होगी। जो कोई भी एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम के लिए मैं सोल्व करूँगा वो क्या होगी, मेरी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होगी। अब बात आती है कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं क्या, ये थोड़ी एक ही, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मेरे पास एक ही एल्गोरिथम होती है या एक ही सॉल्यूशन होते हैं। तो सिंपल हमें याद रखना है एल्गोरिथम क्या है, सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। तो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। तो उन मल्टीपल सॉल्यूशंस में से मुझे यदि बेस्ट सॉल्यूशन निकालना है तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा मेरा एल्गोरिथम एनालिसिस के अंदर। तो एल्गोरिथम एनालिसिस आप एक सेपरेट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल हम अब बात करते हैं कि एल्गोरिथम की, अब कोई भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे या कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी या कुछ क्राइटेरियाज होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो किसी भी एल्गोरिथम को बनाने के लिए या एल्गोरिथम को लिखने के लिए एल्गोरिथम्स की क्या होती है, क्राइटेरियाज बोलूँ या मैं उसके क्या बोलूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो एल्गोरिथम से सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेल डिफाइंड इनपुट्स। सबसे पहले है वेल डिफाइंड इनपुट्स का मतलब है कि जो भी मैं एल्गोरिथम लिखूंगा उस एल्गोरिथम के अंदर सेट ऑफ इनपुट का सीक्वेंस होना चाहिए कि भाई ये एल्गोरिथम इन वाले सेट ऑफ इनपुट्स के लिए क्या हुई है, डिजाइन की गई है। तो ये वाले इनपुट ही दूंगा यदि उस वाली एल्गोरिथम को, तो ये क्या करेगा, वर्क करेगा। इसके बाहर यदि कोई इनपुट दूंगा तो वर्क नहीं करेगा ये वाली एल्गोरिथम। तो ये जो इनपुट्स हैं क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। सेम ऐसे ही वेल डिफाइंड मेरे पास क्या होना चाहिए, आउटपुट्स होने चाहिए। किसी भी एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड आउटपुट्स होने चाहिए कि इस आउटपुट के अंदर, इस आउटपुट सेट के अंदर ही इस एल्गोरिथम का क्या आएगा, आउटपुट आएगा। तो वो सारे क्या चीज़ होनी चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए पहले से ही। नेक्स्ट है मेरी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है, का मतलब ही क्या होता है, क्लियर या वेल डिफाइंड या सटीक, स्पष्ट। जो भी मैं स्टेप्स लिखूंगा एल्गोरिथम के, वो सारे स्टेप्स क्लियर और स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर स्पष्ट या सटीक होने चाहिए, उनके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। और प्रत्येक लाइन जो मैं लिखूँ, जो प्रत्येक स्टेप लिखूँ या प्रत्येक जो लाइन लिखूँ, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, उस लाइन का मीनिंग निकलना चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों ने वो लाइन लिख दी लेकिन उस लाइन का कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी मैं एल्गोरिथम लिखूँ वो क्या होनी चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिग्यूस, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए उस एल्गोरिथम, उस स्टेप्स का। नेक्स्ट है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब होता है कि हर एक एल्गोरिथम कुछ सीमित स्टेप्स के अंदर ही ख़त्म होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने थाउजेंड ऑफ स्टेप्स लिख दिए किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वो नहीं। हमें उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टेप्स क्या होने चाहिए, मेरे सीमित स्टेप्स में मुझे क्या करनी है, उसको ख़त्म करना है। और हर स्टेप्स फाइनाइट यानी लिमिटेड टाइम के लिए ही रिपीट होना चाहिए। ये नहीं कि सारे स्टेप्स मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और स्टेप्स का जो एग्जीक्यूशन है वो सीमित टाइम के लिए होना चाहिए, ठीक है। और हर एक स्टेप का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। ये नहीं कि मैंने कोई लूप लगाया, लूप के अंदर किसी स्टेटमेंट को मैंने बार 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 लिखा जा रहा हूँ, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेप्स को मैं बार बार लिख रहा हूँ तो उसका मीनिंग नहीं है। यदि मुझे उस स्टेप को फाइनाइट टाइम के लिए लिखना है, कोई भी काम है उसको रिपीट नहीं करना है, रिपीटेटिव मोड में मुझे इसमें वर्क नहीं करना होता। और सारी चीज़ क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। दूसरा है मेरी जो एल्गोरिथम है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने उस एल्गोरिथम को सी लैंग्वेज में लिख दिया, उसके जो उस प्रॉब्लम के स्टेप्स को आप लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कर दिया, और सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन करने के बाद यदि मैं उसको, कोई मान लो किसी को सी लैंग्वेज नहीं आती तो पाइथन में उसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, तो उसको अंडरस्टैंड करने में क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, क्लियर। तो ये सब चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है फिजिबल।
अब फिजिबल से मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी मैं स्टेप्स लिखूँगा, उस एल्गोरिथम के अंदर जो भी मेरे स्टेप्स होंगे, उस एल्गोरिथम के अंदर जो भी मेरे स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, सिंपल होंगे और प्रैक्टिकल फॉर्म में होंगे। ये नहीं कि मैं कोई एडवांस कोई टेक्नोलॉजी के बारे में लिख रहा हूँ, या वो कोई टेक्नोलॉजी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी आने वाली है उसके बारे में कोई स्टेप्स पहले लिख दिया, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, और रिसोर्सेज जो भी उस यूज़ करने वाला हूँ वो क्या होने चाहिए, यूटिलाइज होने चाहिए, और जो भी रिसोर्स मैं यूज़ करूँ वो क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। इस टाइप से मुझे उस एल्गोरिथम को क्या करना है, डिजाइन करना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैं बात करूँ एक और करेक्टरिस्टिक से या क्राइटेरिया है उसका, तो वो है इफेक्टिवनेस। मेरी एल्गोरिथम क्या होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस से मतलब होता है कि जो एल्गोरिथम मैंने डिजाइन करी है वो टाइम और स्पेस दोनों के कॉन्टेक्स्ट में क्या होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। तो ये था एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू।